सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लगा है अगर आपके घर पर लगा है या फिर आप लगवाने के बारे में सोच रहे हैं एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो दोस्तों उसमें जो है अगर आप कभी जो है उसको यूज़ नहीं करना चाहें, मान लीजिए कुछ दिन के लिए यूज़ करना नहीं चाहते हैं, जैसे कि महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए या 2 महीने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो कनेक्शन है वो पोस्टपेड है, उसका बिल आता है, ना कि कोई प्रीपेड है। पोस्टपेड है मतलब भाई आप यूज़ करो ना करो हर महीने बिल जरूर आएगा। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपको 1 महीने के लिए स्टॉप करवाना है, मान लीजिए आपको यूज़ नहीं करना है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे कि आपका रेंट नहीं आए? तो दोस्तों इधर मैं बताना चाहूँगा ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में ऐसा ऑप्शन है, उसको जो एयरटेल वाले सेफ कस्टडी बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो है रेंट जो है स्टॉप हो जाता है कुछ दिनों के लिए जब तक आप चाहो। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 1-to-1 पर आपको कॉल करना पड़ेगा, एयरटेल कस्टमर केयर पर आपको कॉल करके ये फैसिलिटी लेना पड़ेगी जब कभी भी आपको इसको बंद कराना है। तो अब दोस्तों अब आपको मान लीजिए कि 1 महीने के लिए बंद कराना है तो उसका क्या चार्ज है, तो इधर मैं चार्ज के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों चार्ज जो है इसका 1 दिन से ले कर 3 महीने तक, या तो मैं बोल दूँ 1 दिन से ले कर 90 दिन तक चार्ज होता है इसका 500 रुपये, 500 रुपीज़। मतलब दोस्तों अगर आप 15 दिन के लिए बंद करवाना चाहते हो, 1 महीने के लिए या फिर 1 दिन के लिए क्यों ना हो, आपको 500 रुपये देना है। 1 दिन से ले कर 90 दिन तक आपको एक ही चार्ज लगता है 500 रुपये, तो ये इसका चार्ज है दोस्तों। तो इधर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इधर आपका अगर आपको हफ्ते 15 दिन के लिए बंद कराना है तो फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों फ़ायदा नहीं है और कैसे फ़ायदा है इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाना चाहूँगा। मान लीजिए अगर आपके घर पर जो है कनेक्शन लगा है, 800 रुपये उसका जो बेस प्लान है, जैसे कि 799 वाला 800 रुपये मान के चलते हैं, तो दोस्तों अगर आप हफ्ते भर के लिए बंद कराना चाहोगे या 15 दिन के लिए भी, तो आपको 500 रुपये तो भाई देना ही देना है, तो इधर आपका लॉस है। लेकिन अगर आप महीने भर से ज़्यादा बंद करवाना चाहते हो, 1 महीने, 1.5 महीने, 1.25 महीने, तो उस कंडीशन में 500 रुपये ज़्यादा नहीं होंगे। और एक और कंडीशन है दोस्तों, आपका प्लान कौन सा है, मान लीजिए आपका प्लान 1500 रुपये वाला है या फिर 4000 रुपये वाला है, जो कि 3999 वाला है, जिसमें कि 1 Gbps अनलिमिटेड मिलता है 3999 में। तो अगर दोस्तों 3999 वाला है तो उसमें तो जरूर फायदा है, भले ही आप 15 दिन के लिए बंद करवाना चाहो तो ये 500 रुपये आपको महंगे नहीं पड़ेंगे। आपका जो प्लान है कंटिन्यू हो जाएगा दोस्तों, जब भी आप ये सेफ कस्टडी हटवाओगे। तो ये हटाना कैसे है, फिर से आपको 1-to-1 पर कॉल करना पड़ेगा और ये सेफ कस्टडी जो है उधर से हट जाएगी कुछ ही देर में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्लान देखिएगा आपका। तो इधर मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से तो अगर आप एक महीने से ज़्यादा जो है इसको बंद करवाओगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेजरली जो है 799 वाला प्लान लोगों के पास होता है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास 1500 वाला है या फिर 3999 वाला है। तो इधर दोस्तों आपको समझ में आ गया कि सेफ कस्टडी कैसे करना है, फिर से बता देता हूँ एक लाइन में। 1-to-1 पर कॉल करिए और उधर आप जो है अपना नंबर बताइएगा, तो उस नंबर से जो है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो है आपका जो कनेक्शन है उसको सेफ कस्टडी में डाल देंगे और उसका कोई रेंट नहीं आएगा। बस 500 रुपये दोस्तों चार्ज जरूर लगेगा, 1 से 90 दिन तक का चार्ज लगता है 500 रुपये, लेकिन रेंट नहीं आएगा, रेंट वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और जब आप फ़ोन करके सेफ कस्टडी हटाओगे तो सेम जो है प्लान कंटिन्यू आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अब इधर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा आपको, एडवांस रेंटल। जिन लोगों ने एडवांस रेंटल वाला प्लान लेके रखा है, जैसे कि मैंने 6 महीने वाला प्लान लेके रखा है, कई लोगों ने 3 महीने वाला लेके रखा है, कई लोगों ने साल भर वाला प्लान लेके रखा है, तो उन लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आपका जो है सेफ कस्टडी में कनेक्शन जरूर चला जाएगा, लेकिन आपका रेंट जो है आप पहले ही पे कर चुके हो तो उधर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उल्टा आपके 500 रुपये भी चले जाएंगे और आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो इधर ये बात दोस्तों निकल कर आती है कि एडवांस रेंटल वालों के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। हाँ, जो हर महीने बिल पे करते हैं उन लोगों के लिए ये जो है सेफ कस्टडी है। अब इधर दोस्तों टेलीफोन भी आपका बंद हो जाएगा, अगर टेलीफोन कनेक्शन आपने लगा के रखा है तो दोस्तों टेलीफोन तो जैसे कि फ्री रहता है, बस इंस्ट्रूमेंट हमको जो है खरीदना रहता है, तो टेलीफोन भी आपका बंद हो जाएगा। जब आप सेफ कस्टडी हटाओगे तो टेलीफोन भी चालू हो जाएगा। तो इधर दोस्तों कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम कुछ दिन यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई रेंट स्टॉप हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, और चार्जेस वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है।
अब इधर एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो स्कीम है, ये स्कीम हो सकता है कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग हो, क्योंकि दोस्तों मैंने जो कस्टमर के एग्जीक्यूटिव से बात करी है तो उन लोगों ने मुझे यही स्कीम बताई है। हो सकता है कि भाई आपके स्टेट में ये स्कीम चेंज हो, या तो 500 रुपये से कम हो या 500 रुपये से ज़्यादा हो इसका चार्जेस, या फिर ये फैसिलिटी आपको नहीं दे रहे हो, वो भाई स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक है ये पूरे इंडिया में मुझे लग रहा है सेफ कस्टडी आपको बिल्कुल मिलेगी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा। तो इधर दोस्तों मैं आपको कॉल सेंटर पर मैंने जो है बात किया था, 1-to-1 पर बात करके ही कंफर्म किया है। आप चाहें तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने क्या। प्लीज बोलना है सर, सर अगर आप अपना चाहें तो कनेक्शन को अगर यूज नहीं होता है तो अभी इसके लिए तो होल्ड पे रख सकते हैं आप अपना नंबर। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि आपका एडवांस रेंटल प्लान है लेकिन अभी, लेकिन अगर आप एडवांस रेंटल बिल प्लान पे अपना कनेक्शन को सेफ मोड पे रखेंगे तो अमाउंट आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा सर। अच्छा, अगर जैसे मैडम एडवांस रेंटल पे नहीं होता तो कितना चार्ज लगता है इसका, सेफ कस्टडी में रखा अगर तो एक महीने सेफ के लिए? कस्टडी का हाँ अगर नहीं होता तो अगर आप इमीडिएट कराते हैं कॉम्बो कनेक्शन तो सेफ कस्टडी में बेनिफिट मिलता है। जितने दिन कनेक्शन आपका एक्टिवेट नहीं होता है, फिर हाँ यूज़ करना नहीं होता है तो आप सेफ कस्टडी में इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। और इसके लिए अगर आपका बिल पहले ड्यू होता है तो आपको क्लियर करना पड़ता है सर। सेफ कस्टडी जब आप एक्टिवेट कराते हैं तो कनेक्शन की सर्विसेज आपके बार्ड हो जाती है सर, कनेक्शन आप अपना यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी सर, जी हाँ सेफ कस्टडी का 90 डेज का चार्जेस होता है 500 रुपीज़ का, 1 मंथ 2 मंथ अप टू 500 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे 90 डेज के लिए। एंड सेफ कस्टडी जब एक्टिवेट होती है तो आपके नंबर पे अगर 90 डेज तक अगर कंटिन्यू रहती है सेफ कस्टडी जी। तो एयरटेल टीम आपको कॉल भी करती है सर सेफ कस्टडी एक्टिवेट करवाने के लिए। अगर आप उस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो कनेक्शन आपका सेम प्लान पर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सेफ कस्टडी का बेनिफिट ये मिलता है आपको, सेम नंबर सेम प्लान रहता है, जब भी अगर आप यूज़ करें तो 1-to-1 पे कॉल कराकर आप अपना कनेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अच्छा, मान लीजिए मैडम मुझे 15 दिन के लिए यूज़ नहीं करना है, 15 डेज के लिए, तो इसमें भी क्या 500 चार्ज लगेगा? जी सर, ऐसे यही चार्जेस है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के लिए अप टू 500 डेज, 90 डेज का चार्जेस है, 90 डेज के बाद 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगते हैं सर चार्जेस। अच्छा ठीक है, मतलब 90 डेज पर 500 रुपीज़ लगेगा ही लगेगा। जी बिल्कुल अच्छा, भले 2 दिन के लिए भी बंद कराएंगे तो 500 रुपीज़ लगेगा मतलब। हाँ जी सर। अच्छा, तो इसके लिए मैडम आपको कॉल करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे कॉल करके रिक्वेस्ट देनी होती है आपको, तो अभी आप कराना चाहते हैं एक्टिवेट क्या? नहीं, अब फिलहाल तो नहीं क्योंकि मेरा एडवांस ठीक है रहता सर। अगर है आप बिल्कुल सर एडवांस है तभी आप यूज़ कर लीजिए अपना, या तो अभी अगर आप मोडम को भी यूज़ नहीं तो ऑफ रख सकते हैं, या फ़ोन के लिए डायनेमिक लॉक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेफ कस्टडी कितनी चार्जेस है जो मैंने आपको बताया मिस्टर चौधरी, ठीक है? अच्छा, ठीक है, मतलब मेरा तो एडवांस यस सेंटर है मैडम, तो मेरा तो मतलब कुछ बेनिफिट नहीं, हाँ रिफंडेबल नहीं हो पाएगा बिल्कुल सर अगर आप ये करते हैं तो। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग जो है सुन ली होगी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने क्या बोला और क्या स्कीम जो है उन्होंने मुझे बताई। तो इधर दोस्तों जो भी सच्चाई है मैंने आपको बता दिया है, अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैं अपने मन से कुछ जो है लगा के बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी था मैंने प्रूफ के साथ जो है आपको बता दिया क्या चार्जेस हैं और कैसे आपको करना है। तो चलिए दोस्तों आप जो है इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ। कई लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमारे यहाँ तो इंस्टॉलेशन चार्ज ले रहे हैं जबकि हम 3 महीने का, 6 महीने का या साल भर का एडवांस रेंट पे कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपने मेरा जो है पहले वीडियो देखा होगा, पहले वीडियो में दोस्तों मैंने कई बार ये बताया था कि मेरा इंस्टॉलेशन जो है चार्ज नहीं लगा है क्योंकि मैंने जो है 3 महीने वाला प्लान लिया था और उसके बाद जो है मैंने 6 महीने का जो है डिपॉजिट कर दिए क्योंकि मैंने प्लान जो है चेंज कराया था बाद में, तो मैंने 200 Mbps वाला प्लान ले लिया। तो दोस्तों जब भी जो है हम एडवांस रेंट पे करते हैं, मान लीजिए 3 महीने वाला हम प्लान लेते हैं स्टार्टिंग में, या तो फिर 6 महीने वाला या साल भर वाला, तो उसमें हमारा जो है 1000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन बच जाता है। तो दोस्तों कई लोगों ने मुझसे बोला कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं एयरटेल वाले वो लोग जो है मना कर रहे हैं साफ साफ कि भाई आप 3 महीने वाला लो या 6 महीने वाला लो या साल भर वाला लो, लेकिन आपको इंस्टॉलेशन 1000 देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इधर बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि आपके स्टेट में जो है ये फैसिलिटी या फिर मैं बोल दूं ये ऑफर अवेलेबल ना हो। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूं तो मेरे इधर तो दोस्तों इंस्टॉलेशन जो है फ्री है अगर 3 महीने का प्लान लेते हो या 6 महीने का या साल भर का, कोई भी आप इनमें से प्लान लेते हो तो इंस्टॉलेशन फ्री मिलेगा। और राउटर तो दोस्तों फ्री है ही, भले ही आप 1 महीने वाला प्लान क्यों ना लो राउटर तो फ्री रहता ही रहता है एयरटेल की तरफ से। और इधर इंस्टॉलेशन की बात आती है 1000 रुपीज़, तो इधर दोस्तों ये ज़रूर बोलूँगा कि हो सकता है कि आपके इधर भाई ये ऑफर ना हो लेकिन मेरे इधर तो है और आज ही मैंने कंफर्म किया। और मेरे इधर दोस्तों लॉकडाउन में भी जो है एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग रहा है, फाइबर कनेक्शन, और आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए इसकी भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है और आप खुद देखिए। मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव जो था जिसका कि मेरे पास एक नंबर था तो उनको जो है मैंने फ़ोन करके पूछा,
तो वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि ये 1,000 रुपीज़ आपका जो है माफ हो जाएगा अगर आप 3 महीने वाला प्लान लेते हो, तो ये मतलब नहीं लगेगा। तो आप खुद जो है रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है क्या एयरटेल का? जी एयरटेल का इंस्टॉलेशन हो रहा है क्या अभी? हो रहा है ना सर? तो ये कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है क्या इसमें? सर अभी डिस्काउंट कुछ नहीं चल रहा उसमें। नहीं, जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह रहता है 3 महीने का लेते हैं, 6 महीने का, तो कुछ हाँ 3 महीने का लेंगे, जो 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन लगता है वो फ्री रहता है। और राउटर वगैरह तो फ्री है ना? हाँ वो सब फ्री रहता है। अच्छा, मतलब 6 महीने का भी लेंगे, साल भर का भी, तो अब हमको जो इंस्टॉलेशन नहीं लगेगा 1,000 रुपीज़। जी। अच्छा, ठीक है भैया। तो इधर दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी कि मेरे इधर जो है इंस्टॉलेशन जो है चार्ज नहीं लग रहा है अगर 3 महीने का प्लान लेते हो तो। तो दोस्तों आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे बात कर सकते हो, जो कि एयरटेल की जो लोकल टीम होती है ब्रॉडबैंड वाली, फाइबर वाली, उनसे बात कर सकते हो। भाई हो सकता है कि आपके यहाँ ऑफर नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये ऑफर है। आपको पूरा जो है लाइव जो है मैंने रिकॉर्डिंग सुना सुना दी है। ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे इनका नंबर मेरे पास कहीं से प्रोवाइड हुआ था, मिला था, जिनको मैंने फ़ोन करके फिर से कन्फर्म किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये ऑफर खत्म हो गई हो, लेकिन मेरे इधर अभी भी ये ऑफर चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ मेरे वीडियो से समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल कमेंट द्वारा जवाब दूंगा, या फिर एक वीडियो बना के ही आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन इस टाइप से आप और भी वीडियो देखना चाहते हो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर को लेकर या जियो गीगा फाइबर को लेकर, तो प्लीज जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आने वाले समय में ब्रॉडबैंड को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके काम के रहेंगे और साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इधर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।